हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा डे फोर्थ है। और भाई अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं, और बाहर देखो बारिश आ रही है। क्या नज़ारा है ये देखो, बारिश। गोवा में बारिश मैंने पहली बार देखी है। मैं गोवा में छठी बार आया हूँ, बारिश मैंने पहली बार देखी है। तो क्या मस्त मौसम हो रखा है। हालांकि ऐसा लग रहा है धूप भी आ रही है, लेकिन बारिश बहुत सही। बस आगे देखते हैं, थोड़ी बहुत चाहिए बारिश ना पूल में नहाने के लिए, लेकिन पानी इतना ठंडा है, मैं बाहर ही बैठा हूँ। ये अनुभव ना आ रहा है। मैं बाहर ही बैठा हूँ, मुझे बहुत ठंडा पानी लग रहा है, और मैं नहीं नहाऊंगा, मैं ऊपर जाके रूम में नहाऊंगा। ये देखो योगेश स्विमिंग सीख रहा है, अभी देखना डूबेगा ये। ये जल भरा। भाई अब हम आए हैं क्रूज पे, और क्रूज राइड करेंगे। पीछे क्रूज हैं बड़े बड़े। हाँ, यहाँ से जहाज पार्किंग करिए। सबसे सस्ती पार्किंग यहाँ पे है, सिर्फ 10 रुपए की पार्किंग हुई है यहाँ पे, सबसे सस्ती पार्किंग। और अब अंदर जा रहे हैं, टिकट लेंगे क्रूज की। पता नहीं कितने की टिकट है, क्या है। तो चलो भैया अंदर चलते हैं। तो भैया ये क्रूज है जिसमें हम जाने वाले हैं, 8 बंदे, और इसकी 700 रुपीज़ की टिकट है। तो ये क्रूज है, इस पर हम जाएंगे अभी। ये टिकट हम लोग के पास, दो और आ रहे हैं। वो दोनों मास्क नहीं लाए, वहाँ पे खड़े हैं। वो आ रहे हैं, कैप डाल रखी है, नियॉन मैन है वो। ये देखो गाइस क्या व्यू है। देखो भाई सब खाली पड़ा है बिकॉज ऑफ कोविड। ऑल पीपल टू प्लीज स्टैंड अप, सब खाली लोग यहां पे बैठे हुए हैं, प्लीज खड़े हो जाइए। जब गोल की किस्म की अच्छी फसल मिलती है तब डांस नाचते हैं। प्लीज एंजॉय द गेम। रात में जितनी रात में ठंड है उतनी ही दिन में गर्मी है, क्यों भाई? सही कहा। चलो भाई मिलते हैं आगे, जिला पे जाएंगे, खाना वाना मंगवाएंगे, भूख लग रही है क्योंकि बहुत देर से कुछ नहीं खाया। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम आए हैं डॉल्फिन देखने के लिए। मीरामार बीच पे डॉल्फिन होती हैं, और भैया हमारे को टिकट दे रहे हैं। भैया कितने की टिकट है? 350 की टिकट है, 8 लोगों की टिकट। कितनी भैया? 2800। भैया मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता हूँ तो इसलिए शूट करूँ, कोई प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम। तो अभी हम आए मीरामार बीच पे, और भैया हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? समीर भाई हमारे साथ हैं, और टिकट हमने ले लिया। और वहाँ सामने से बोट जाएगी और अंदर डॉल्फिन दिखेगी, डांस वांस म्यूजिक व्यूजिक सब एकदम मस्त। 1 घंटे की राइड है और मजा आएगा। तो लेट्स गो, दिस इज द व्यू। वहाँ वो वैसी बोट जाएगी, भैया ने दिखा दिया, वैसी बोट जाएगी और सामने से बोट जाएगी, और टिकट भैया के हाथ में। अभी भैया को पेमेंट होती है सीधा अंदर बोट के। तो भाई हम पहुँच चुके हैं बीच के किनारे, 15 मिनट बाद बोट आएगी। हमको कुछ कहना चाहोगे? फुल व्यू, हमको और मेरी टी शर्ट ऑलमोस्ट सेम सी है, वाइट वाइट, मतलब वाइट वाइट, और कलर से कुछ कुछ लिखा हुआ है, हमको भी लिखा हुआ है सुप्रीम, और मेरी पे म्यूजिक म्यूजिक, और सामने समुंदर। म्यूजिक इज माय थेरेपी। तो पेंटर भाई पेंटिंग करते हुए अपनी अपनी मम्मियों के नाम लिख रहे हैं। देखो ये बोट है, बड़ी सी बोट है, और ये पीछे पायलट साहब है, कप्तान साहब, और ये बोट चलेगी। और अभी मैंने इनसे पूछा कि उधर खड़े हो सकते हैं, उन्होंने बोला बाद में जब चलेगा तब तक दिखाएंगे, नज़ारे एक नंबर के।
भाई, लेकिन है इसमें थोड़ा बहुत क्राउड ना। बाकी हमारे दो शिकारी, चार शिकारी आ गए हैं। एक शिकारी ये खड़ा, एक ये पीछे खड़े होंगे ब्रो। ओके आ रहा हूँ, आगे चलने के लिए। भैया हम बैठ गए पीछे वाली सीट पे, ये खाने की पीछे वाली सीट से हम जाएंगे। दरवाजा मौसम की नहीं दिखाएगा। मनु ये थी डॉल्फिन राइड। हमने डॉल्फिन देखी बट कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो तुम गूगल करके देख लेना डॉल्फिन कैसी होती है। हमने देख ली, देख ली भाई, छोटी थी, थोड़ी दूर से दिखी बट ठीक है, देख ली उतना काफी है। और वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि आती थी चली जाती थी, और इतनी देर कैमरा ऑन करके रखना फोन की मेमोरी भर जाती। इतना अच्छा फोन है नहीं मेरा कि मैं रिकॉर्ड कर पाता। तो अब हम जा रहे कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत तेज लगी है भूख, तो अब जा रहे कुछ खाने के लिए। लेट्स गो टू ईट समथिंग।